सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम की जयंती है। अब इसे जयंती कहें ना कहें, इस पर भी एक विवाद हो सकता है, क्योंकि भगवान परशुराम इस सृष्टि में जो 8 चिरंजीव हैं उनमें से एक हैं, और जो जीवित हैं उनके संदर्भ में जयंती कहा जाए ना जाए, इस पर विद्वानों में मतभिन्नता रहती है। पर आयु उनका प्राकट्य दिवस तो है ही, इससे इंकार नहीं। भगवान परशुराम के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत का जो पौराणिक साहित्य सनातन धर्म की मान्यता है उसके अंतर्गत विष्णु जी के 10 अवतार में से एक अवतार परशुराम जी के रूप में आया, और वह 6वें अवतार के रूप में हमारे बीच में है, पूजनीय है, वंदनीय है। उनको हम तमाम स्वरूपों में याद रखते हैं, लेकिन उनके संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा याद रखा जाने वाला तत्व है वो यह कि एक ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, उन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी धारण किया और 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी से संहार किया। इस प्रकार की कहानी उनके संदर्भ में हम सबके बीच में है। लेकिन क्या वह केवल इसी बात के लिए याद किए जाएंगे? उनका जो पराक्रम है, उनका जो पौरुष है, उसके साथ साथ उनकी विद्वता, उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी अलौकिकता, इस पर भी एक विस्तार से समझने की जरूरत हम महसूस करते हैं। और इसीलिए आज जब भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस है तो लगा कि इस पर एक वृहद चर्चा होनी चाहिए और उनके जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमने संपर्क किया जाने माने मानस मर्मज्ञ विद्वत परम पूज्य विजय शंकर मेहता जी से। विजय शंकर मेहता जी, जिनको हनुमान जी को साधने के संदर्भ में हम जानते हैं, पर साथ साथ उनकी ख्याति भागवत के संदर्भ में, मानस के संदर्भ में भी उतनी ही है। उनसे आज हम परशुराम जी के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। उनसे चर्चा को शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि त्याग आपके बल को बढ़ा देता है, आपकी शक्तियों को कई गुना कर देता है, आपके पराक्रम को भी दृढ़ कर देता है, वह आपकी चिंताएं और भय हर लेता है और आप निर्भय तथा आनंदमय हो जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ का यह जो सद्विचार है, इसे हमने विचार सूत्र के रूप में इसलिए अंगीकार किया कि आज जिस प्रकार का परिवेश दुनिया में है, जिस प्रकार की परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है, उसमें यह विचार सूत्र हमें आत्मबल देने के लिए प्रेरित करता है, और कहीं ना कहीं यह आत्मबल हम भगवान परशुराम के चरित्र में भी पाते हैं। अब हम विषय पर वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम जिन्होंने ब्राह्मण कुल के अंतर्गत जन्म लिया, भगवान विष्णु के जो तमाम अवतार हैं इसमें से प्रथम अवतार है जिसने जन्म के रूप में अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर की। इससे पहले के उनके जितने भी अवतारों के संदर्भ में हम बात करते हैं, चाहे वो मत्स्य अवतार के रूप में हो, चाहे वो कुर्म अवतार के तौर पर हो, चाहे वो वराह अवतार के रूप में हो या नरसिंह अवतार के तौर पर हो, उसमें जन्म के तौर पर वह नहीं सीधे अवतरित होते हैं, पर इसमें बाकायदा वह माता रेणुका के गर्भ से इस धरा पर अवतरित होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की उनके संदर्भ में कि वह परम पूज्य भृगु के कुल से ताल्लुक रखते हैं। भृगु उनके पितामह थे, उनके पुत्र हुए ऋजिक, उसके बाद में आए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र के तौर पर हम भगवान परशुराम को जानते हैं। क्या है परशुराम जी का चरित्र, इसको समझने का आज प्रयास करते हैं। विजय शंकर जी मेहता जी हमारे साथ में हैं। तो मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और आपसे जानने का विषय है हमारा कि क्या कुछ इस अद्भुत व्यक्तित्व के संदर्भ में है, क्या कुछ ऐसा है जिसके संदर्भ में हम अभी भी जान नहीं पाते हैं कि एक ब्राह्मण कुल में जिस व्यक्ति के द्वारा जन्म लिया गया उसने शास्त्र को छोड़ शस्त्र का आलंबन अपने जीवन में लिया, क्या कुछ इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश है? भगवान परशुराम जी के लिए सामान्य रूप से ये बात उनके परिचय में आती है कि एक ब्राह्मण होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों से युद्ध किया, शास्त्र की जगह शस्त्र उठाए और बहुत क्रोधी थे जी। ये उनका परिचय है जी। जनमानस अगर उनके बारे में जानता है तो हमारे यहां रामचरितमानस की कथाएं सबको याद है जी। कुछ लोग परशुराम जी को केवल ब्राह्मण मानते हैं,
जन्म से तो हैं वो, जी लेकिन अचानक कभी कभी समाज में ऐसा लगता है कि परशुराम जी यानी ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण ही उनकी जयंती मनाएंगे, क्षत्रियों का संहार किया तो कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मण में थोड़ा सा गैप आ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे ब्राह्मणों के ही प्रतिनिधि हैं। जी ब्राह्मण समाज बड़ा आयोजन करता है और कोई समाज नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है ये भ्रम मिटना चाहिए। जी परशुराम जी के भीतर जो विशेषताएं थी, जिस बात के लिए वो अवतार हुआ था, उसका ब्राह्मण और क्षत्रिय होने से सीधा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने शस्त्र जब उठाए तो क्षत्रियों के विरुद्ध नहीं उठाए थे, एक ऐसी सत्ता के विरुद्ध उठाए थे जो अपने राजकीय आचरण से भ्रष्ट हो गई थी। उठाने वाला ब्राह्मण था, जो भ्रष्ट हुआ था वो क्षत्रिय था संयोग से, तो इसमें कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय आमने सामने नहीं हुए, ये जाति का युद्ध बनाया उस क्षत्रिय ने जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य, जी उसने इसको शेप दिया। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि दो भूलें हम लोग आजकल भारतीय जनमानस में हो जाती हैं। एक अग्रसेन महाराज को वो केवल अग्रवाल समाज के पितृपुरुष ऐसा मान लिया जाता जी है भी, जी लेकिन केवल अग्रवाल समाज ही उनको मानता है, पूछता है, उनकी जयंती मनाता है। ऐसे ही ब्राह्मणों के साथ हो गया, ब्राह्मण समाज ही मनाएगा। तो क्यों इन्होंने जो किया है वो संपूर्ण मानवता के प्रतिनिधि है। ये जी ब्राह्मण कुल में जन्मे है तो क्या केवल ब्राह्मण समाज मनाएगा? जी इस पे विचार करना चाहिए। जी अब इनका एक बहुत शॉर्ट में अगर अपन देखें, फिर उस पे विस्तार से आप पूछेंगे तो मैं प्रयास करूंगा। जी इनका जो प्रथम प्रवेश अगर आप सार्वजनिक रूप से सरलता से पाना चाहें तो रामचरितमानस में आता है। जी गोस्वामी जी पे यदा कदा ये आरोप लगते ही रहते हैं कि गोस्वामी जी स्वयं ब्राह्मणवादी थे, जी ब्राह्मणों के पक्षधर थे, ब्राह्मणों के पक्ष में लिखते थे, बोलते थे। लेकिन जब धनुष टूटा जी सीता स्वयंवर में और परशुराम जी आए, जी तो परशुराम जी का जो परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं वो लिखते हैं, शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाहु स्वरूप। ऐसा जी परशुराम जी के परिचय में गोस्वामी जी ने लिखा है, शांत बेशु करनी कठिन। जी उनका वेश तो शांत था क्योंकि महात्मा का, ऋषि का वेश था। करनी कठिन बरनी न जाहु स्वरूप, जी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि वेश शांत है जी और करनी बड़ी कठिन है। थोड़ी थोड़ी देर में फरसा उठा उठा के बात करते थे जो उन्होंने राम लक्ष्मण से की। इसलिए तुलसीदास जी ने एक और बात उनके लिए बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि तुलसीदास जी तो ब्राह्मण के अगर पक्षधर थे तो एक ब्राह्मण के लिए क्या लिखते। लेकिन उन्होंने भी लिखा है, सहजऊ चितवन मनहु रिसाते, सहजऊ चितवन मनहु रिसाते, दिखते सहज हैं, सहजऊ चितवन, दिखते सहज हैं लेकिन मनहु रिसाते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमेशा गुस्सा ही करते रहेंगे, ये उनका परिचय है। तो उनके क्रोध को किसी जाति से जोड़ना उस चरित्र के प्रति एक नासमझी होगी, नाइंसाफी होगी। जी इनका जन्म कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा। जी उसके बाद इन्होंने कुछ घटनाएं ऐसी की, आवेशावतार तो थे ही, जी आवेशावतार ही कहलाते हैं। जी तो ये पहले राम के नाम से जाने जाते थे, इनके दादा दादी माता पिता भाई बहन सब राम बोलते थे। जी फिर ये राम से परशुराम हुए, शिव जी ने इनको परशु दिया, जी फिर इन्होंने परशु का प्रयोग किया,
फिर परशुराम के रूप में ही ख्यात हो गए। किसी व्यक्ति को शस्त्र से जाना जाए, वो भी ब्राह्मण, इस मामले में अनूठे थे। जी और जाते जाते वापस राम हो गए। जी जब इनकी श्रीराम से स्वयंवर में भेंट हुई और इन्होंने श्रीराम से कहा कि ये धनुष खींच के बताइए, और जी वो अपने आप खींच गया, तो इन्होंने प्रणाम किया जी और चले गए। जी और इन्होंने को लगा कि जिस कार्य को मैं पूरा कर रहा था वो कहीं अधूरा रह गया था, अब मेरे बाद ये राम पूरा करेंगे। तो राम, परशुराम, फिर फिर राम राम, जी ये क्रम है इनका। जी और तुलसीदास जी ने इनका वर्णन किया है, तो चरित्र विचित्र है, जी हर गतिविधि के पीछे गजब की गहराई है। जी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इतिहास में जिसने राम को शठ कहा, जी मूर्ख, जी रावण ने भी नहीं कहा, जी लेकिन परशुराम जी को जो गुस्सा आता था जी वो किसी को नहीं देखते। जी तो परशुराम अकेले व्यक्ति होंगे जिन्होंने राम से, धनुष टूटने पर जब लक्ष्मण जी की उनकी बहस हुई, तो उन्होंने कहा, शंभु सरासनु तोरी सठ, जी करसी हमार प्रबोधु। जी भगवान शंकर का धनुष तोड़ के है सठ, जी राम को बोल रहे हैं, जी करसी हमार प्रबोधु, और हमको ज्ञान दे रहा है। जी ये शब्द क्या तुलसीदास जी परशुराम जी से अपने इष्ट राम के लिए बुलवा सकते हैं? पर बुलवाए, जी क्योंकि तुलसीदास जी तो जो दिखता था वो लिखते थे। जी तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कितना अद्भुत चरित्र रहा होगा, जी कितने आवेशित रहे होंगे कि राम को बोल गए। और ये जब प्रसंग खत्म हुआ, उनको पता लग गया कि श्री राम का अवतार हो गया है, तो फिर उन्होंने समापन पे इस दृश्य में हाथ जोड़ के कहा, अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर द्रोऊ भ्राता। जी दोनों भाइयों दोनों से भाइयों क्षमा मांगी, जी दोनों से मांगी। जी यही इस चरित्र की विशेषता है। इनका जन्म, इनके माता पिता द्वारा इनको शिक्षा दी जाना, जी इनके आश्रम में शस्त्र अर्जुन का आक्रमण करना, जी कामधेनु को ले जाना, इनके द्वारा शस्त्र अर्जुन का वध कर देना, माता पिता ने इनसे कहा राजवध पाप है, तुम प्रायश्चित करने जाओ, तो चले गए। लौट के आए तो शस्त्र अर्जुन के संतानों ने पिता का वध कर दिया इनके, तब इन्होंने 21 बार। उसके बाद जब ये घटना पूरी होती है, जी तो इनके गुरु तो शिव जी थे, जी लेकिन इनके शिष्यों की परंपरा भी निराली है। मैंने जी कहा ना, ये चरित्र निराला है। मैं इस चरित्र को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आपने जो प्रसंग दिया है उस पर एक सवाल मेरे जहन में है। आपने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का उल्लेख करते हुए बताया कि जब वो शिव धनुष तोड़ा जाता है तब परशुराम वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन रामचरितमानस तो आज से 200 400 500 साल पहले लिखी गई, पर यह मान्यता है कि जो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई वो राम के होते हुए लिखी गई। उस रामायण में परशुराम जी का जो आगमन है वो जनक जी के दरबार में नहीं है। जब जनक जी के यहां से विदा लेकर अयोध्या की ओर रुख करते हैं तब उसमें परशुराम जी बीच मार्ग में मिलते हैं, ये प्रसंग आता है। और उसमें जो परस्पर संवाद है वो राम और परशुराम के बीच है, जिन्हें आप राम और राम के बीच भी कह सकते हैं, उसमें लक्ष्मण बीच में नहीं आते हैं। इस विवेचना को भी आपसे समझना चाहता हूं कि वाल्मीकि के राम और गोस्वामी तुलसीदास जी के राम के बीच में ये दृश्य में जो बदलाव है वो किस परिस्थिति में है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, एक लेखक कोई साहित्य अपने जिस मनोभूमि पे, मनोभाव पे वो होता है, उसमें लिखता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कई बार हुआ है कि लेखक एक ही, पात्र एक, घटनाक्रम एक, प्रस्तुति अलग हो गई। जी तो वाल्मीकि
आए जी और जो भी उनकी बातचीत हुई, तुलसीदास जी ने दृश्य पढ़ाई होगा, जी लेकिन तुलसीदास जी ने जिस काल में रामचरितमानस लिखा उस समय लोगों के मन मानस में नायक की छवि जी बड़ी पराक्रमी होना थी। यवनों का काल था, लोग कोई नायक ढूंढ रहे थे उस समय। तो तुलसीदास जी को लगा कि मेरे नायक राम यदि परशुराम जी से जंगल में मिले तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी और लेखक तो बड़े गजब के थे, दृश्य अद्भुत बनाते थे। मेरे राम पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं, जी वो तो अवध के राजकुमार थे, विश्वामित्र जी उनको जनक राज लाए। जी और उस समय जनकपुर के उस स्वयंवर में रावण भी था और संसार भर के राजा आए। जी तुलसीदास जी को लगा कि आज संसार भर के राजा हैं, इस समय मेरे राम का प्रवेश कराऊं मैं, जी और प्रभावी प्रवेश कराऊं। सारे राजा डरते थे परशुराम जी से, क्योंकि जब वो आए तो सब कांपने लगे। तो उनको लगा यदि यहां मेरे राम का मैं प्रवेश कराऊं, तो सीधे नहीं कराया, पहले तो लक्ष्मण जी से भिड़वा दिया इनको। जी तो संवाद इतनी ऊंचाई पे गया कि परशुराम जी आवेश में आ गए। एक बार तो जनक जी को कहना पड़ा लक्ष्मण जी से न करें, ऐसा न करें। उसके बाद जब राम जी आए चित्र में, तो परशुराम जी ने कहा कि तुम तो बड़े विनम्र हो, बड़े अच्छे दिखते हो, जो भी बात है। जी और उसके बाद राम ने उनको अपने प्रभाव में लिया। और जब वो दोनों तुलसी, सारे राजाओं ने देख लिया कि ये सबसे बड़ी शक्ति है जिसको हम परशुराम के नाम से जानते हैं, और आज इससे भी बड़ी एक शक्ति का उदय हो गया। जी तो अपने नायक की एंट्री, जिसको आजकल जी जैसे, तो उसमें सलीम जावेद अमिताभ बच्चन की जब एंट्री कराते हैं ना, तो ऐसा जी होता था कि किसी एक उस पे कैमरा आता था और लगता था हीरो आया। हमारे जी तुलसीदास जी ने बोले मेरे नायक मेरे इष्ट ऐसे जंगल में मिल जाएंगे, तो क्या मतलब निकला। उन्होंने उस दृश्य को ऐसा बनाया, क्योंकि उस पूरे दृश्य को देख के लगता है वो परशुराम जी को राम जी एक संदेश देना चाहते थे कि महाराज, दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का वध करने के लिए आपने 21 बार शस्त्र उठाए, जी लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप स्वयं हिंसा के पर्याय बन गए। किसी समस्या को निपटाने के बाद समस्या समाप्त होना चाहिए, पर नहीं हुई। वो स्वयं आतंक का, क्रोध का, भय का प्रतीक बनते जा रहे थे। जी इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। जी तो जो आपका प्रश्न था जी कि गोस्वामी जी को न्याय ये करना था कि मेरे नायक का प्रभावी प्रवेश जी सार्वजनिक रूप से राजाओं के सामने हो, जी तो हमारे देवता, तो जैसे हमारे कृष्ण जी हैं, शोमैनशिप में तो वो भी बहुत गजब के हैं। जी उनको एक बार अपना सुदर्शन चक्र का प्रताप दिखाना था, जी तो उन्होंने भरी सभा में शिशुपाल की गर्दन उतारी। चाहते तो किसी और से भी उतार सकते थे, लेकिन जी कृष्ण जी ने सोचा आज संसार भर के राजा मौजूद हैं, इनके सामने आज ही बता दूं कि मेरे पास ये है। जी तो आपका व्यक्तित्व, आपकी योग्यता समय पर कितने व्यापक और प्रभावी रूप में प्रकट हो, ये भी एक कला है, और उसमें माहिर थे तुलसीदास जी, इसलिए इस दृश्य को यहां लिखा गया। बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जो घटनाक्रम है उसकी व्याख्या जो है मेहता जी ने की। मेहता जी, एक और जो परशुराम चरित के संदर्भ में, यूं तो कई बातें हैं जिन पर आपसे रोशनी डलेगी, एक प्रसंग इस बात का भी है कि एक समय अवसर ऐसा आया जब उनके पिता जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से नाराज हुए, भाइयों से नाराज हुए परशुराम जी के, तो उन्होंने परशुराम को माता के वध की आज्ञा दी और परशुराम जी ने उस आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का ही वध कर दिया। भारत के जितने भी साहित्य की बात कर लें, भारत की सनातन संस्कृति की बात कर लें, यहाँ पर तो गुरु माता पिता ये तो प्रभु से भी ज़्यादा वंदनीय माने गए, पर जो स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप में मानते हैं
वह अपनी माता पर ही पशु चला देते हैं, फरसा चला देते हैं, और फिर भी हम उन्हें भगवान के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। इस गूढ़ घटना की क्या सरल व्याख्या है, आपसे समझना चाहता हूं। परशुराम चरित्र में यह एक बहुत चर्चित घटना है, उनको मात्र हंता कहा गया है। जी थोड़ा सा घटना में प्रवेश करते हैं। जमदग्नि और रेणुका जी ने परशुराम जी का लालन पालन बड़े विशिष्ट तरीके से किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बालक जो है अलग ढंग का है। पहले हम इस प्रसंग की बात करते हैं, अलग ढंग की क्या है इसकी भी बात करेंगे। एक दिन परशुराम जी जब अपने आश्रम में नहीं थे, तो उनकी मां रेणुका स्नान करके लौट रही थी, और लौटते लौटते तुलसी जी का मंत्र बोल रही थी कि हे तुलसी मैया, मुझसे भूल हो गई, मेरा मन भटक गया, मानसिक रूप से मैं अशुद्ध हो गई हूं, मेरी रक्षा करना, त्राहिमाम त्राहिमाम, ऐसा मंत्र बोलते हुए अपने आश्रम में प्रवेश करती हैं उनके पति परशुराम जी के पिता जमदग्नि आश्रम में बैठे हुए, और उन्होंने अपनी पत्नी को आते हुए देखा। जी यहां ये जो पूरा प्रसंग है, परिवार में पति पत्नी माता पिता और बच्चों के त्रिकोण का अद्भुत प्रसंग है। जी इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए परिवार के लोगों को। ये केवल मात्र हंता कह देने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें। अपनी पत्नी को मंत्र जपते हुए देख के जमदग्जी ने रेणुका जी से कहा, रेणुका आपके चेहरे पे जो ब्राह्मणी का तेज था, मैं प्रतिदिन आपके मुखड़े को देखता हूं, आपकी आकृति को देखता हूं, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कोई भूल करके आ गई हैं, कोई आचरण में दोष हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटना चाहिए, कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। रेणुका जी ने अपने पति जमदग्नि जी से कहा, भूल तो हुई थी, वो प्रार्थना जी कर रहा हुआ, मैं ग्लानी में डूबी हुई हूं, आचरण दोष से परिचय, आप तो ऋषि हैं, अब मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगी, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख लें मुझसे जो भूल हुई है और निर्णय ले लें। जमदग जी ने आंख बंद करी और जो दृश्य देखा कि जब ये स्नान करने गई तो नदी के दूसरे तट पर गंधर्व राज चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ अश्लील व्यवहार करते हुए स्नान कर रहे थे। इन्होंने वो दृश्य देखा और दृश्य देखकर काम भाव संचारित हुआ, काम में डूब गए ऐसा न कहे, मनुष्य के जीवन में काम देखने से उतरता है, स्पर्श तो बाद में होता है, ये ध्यान रखना आप जी। दृश्य से नेत्रों से प्रवेश होता है काम का पहला जी। तो इनके मन में काम का संचार हुआ होगा, मनोवैज्ञानिक घटना इस दृश्य से, इस दृष्टि से लीजिएगा जी। और पर पुरुष में अपने पुरुष को तो ना देख पाई, लेकिन पर पुरुष में ही वो काम संचार जाने लगा और ये रुकी जी। और लौटी और वो चिंतन चलता रहा, क्योंकि चरित्रवान थी, विदुषी थी, ब्रह्माणी थी, ऋषि पत्नी थी जी। तुरंत बोध हो गया कि मेरे मन में ये कैसे संभव हो गया, कौन सा ऐसा संस्कार मेरा जाग उठा कि एक दृश्य देख के मैं भटकाव की स्थिति में आ गई। बस ये दृश्य देखा जमदग्नि ने तो उन्होंने कहा, देवी आपने ये क्या किया जी। आप काम संचार से
संचालित होके पर पुरुष का चिंतन कर रही हैं। आप बताइए, आपके और मेरे पति पत्नी के संबंध कैसे रह सकते हैं? ये तो अपराध हो गया। रेणुका जी ने अपने पति जमदग्नि से कहा, अपराध तो हो गया महाराज, दंड आपको देना है, निर्णय ले लीजिए। पति पत्नी में अपराध पुरुष करे या स्त्री करे, दंड की व्यवस्था तो पुरुष के हाथों में थी तब भी और अब अब भी। भी आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे जो दंड देना चाहेंगे मैं लूंगा। जमदग्नि कहते हैं कि हम ऋषि परंपरा से हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बाहर के दिख रहे आचरण से चरित्र नहीं बचा सकते, हमें अपने चिंतन के स्तर पे चरित्र बचाना पड़ता है। इस बात के लिए हम महान हैं या जो भी हैं, जी तो आपको दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड मैं नहीं दूंगा, दंड आपकी संतानें देंगी। और उन्होंने अपने चार पुत्रों को बुलाया, वसुमान, वसुषेण, वसु और विश्ववसु। ये चार पुत्र थे, पांचवें परशुराम बाहर थे। और उन्होंने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि ये जानने का प्रयास मत करना कि तुम्हारी मां ने अपराध क्या किया है। अपराध पे तुम्हारी दृष्टि न जाए, दृष्टि आदेश पे जाए। और मेरा आदेश ये है कि आप जिसके दंड में, जिसके निर्णय में, इनको जीवन से मुक्ति पाना पड़ेगी और ये स्वयं भी जीवित नहीं रहना चाहिए। पुत्रों ने मना कर दिया कि पिताजी हमारे लिए संभव नहीं है। बस जमदग्नि ने कहा कि तुम लोग जड़वत हो जाओ, पशु की तरह हो जाओ, कीड़ों की तरह हो जाओ। और एक तरह से उनकी मृत्यु हुई, वो जड़वत हो गए। जी उसी समय परशुराम जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने अपने दृश्य को देखा, भाई जड़वत हैं, मां नीचे गर्दन करके बैठी हुई रो रही हैं, पिता आवेश में दिखते हैं। आप बुरा मत मानिए, ये कहानी कई घरों की है। उन घरों की, परिवारों की कल्पना करिए जहां बच्चों को माता पिता के चरित्र की जानकारी हो जाए। कोई किसी से कहता नहीं है, पर आज चूंकि आज के जीवन में चरित्र की कोई प्रधानता नहीं है, आज शरीर भोग का विषय है, चरित्र चरित्र तो कोई जोड़ता ही नहीं शरीर से। ये कथा आपको जो समझाने की प्रयास कर रही है, ये जो प्रसंग है जी कि पति पत्नी के बीच में चारित्रिक दोष आ जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये रिश्ता संस्कार माना गया है, इसलिए अति पे जा रहा है वो दृश्य। जी उसकी अति इसलिए समझिए कि आगे तक एक गहन संदेश देना है। तो बस परशुराम जी ने जब पूछा तो पिता ने कहा, परशुराम तेरे भाइयों को मैंने एक आज्ञा दी, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, ठीक वही आज्ञा अब मैं तुझे देता हूं। तेरी मां से एक अपराध हुआ है, ऋषि अपराध है, रिश्तों का अपराध है, और सबसे बड़ी बात विश्वास खंडित हो गया है। मैं इसके दंड में इनको जीवन मुक्ति देना चाहता हूं और तेरे माध्यम से तू आदेश का पालन करेगा। एक क्षण के लिए परशुराम कांप गए, मुझे उस मां का वध करना है, वो भी पिता की आज्ञा से। अपराध का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, लेकिन उनको लग रहा था कुछ बात गंभीर हो गई। तो परशुराम जी ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, मां कोई आज्ञा नहीं देती, नीचे गर्दन करके बैठी है, पिता की आज्ञा चल रही है, इसका मतलब कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें दोनों अज्ञात रूप से सहमत हैं और शायद संसार को कोई बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। परशुराम जी ने कहा, मेरे पिता कभी ऐसी आज्ञा नहीं देते, जरूर इसके पीछे कोई लीला चल रही है। तो उन्होंने अपने फरसे को उठाया और उससे कहा, तू मेरा जीवन है, लेकिन आज जैसे मेरे पिता ने आज्ञा दी ऐसी मैं तुझे देता हूं। मेरी शक्ति तो नहीं हो रही कि मैं मां का वध कर सकूं, पर तेरी शक्ति जाग जाए और मैं पिता की लीला देखना चाहूंगा क्या होता है मेरे साथ। और
आंख बंद करके प्रहार किया, मां का वध हो गया। जैसे ही मां का वध हुआ, अपने परशु को नीचे रख के उसी का हाथ जोड़ के परशुराम जी सारे ब्रह्मांड से बात करते हैं, परम शक्ति से। तो परशुराम कहते हैं, मुझे लीला समझ नहीं आती पर पिता की आज्ञा पे टिका हूं। और उस क्षण जब यह घटना घट गई, जमदग्नि ने अपने पुत्र के कंधे पे हाथ रख के कहा, राम तुमने परशुराम मन के जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, संभव तो इतिहास में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं मां का वध नहीं कराना चाहता था, अपनी पत्नी को तुम्हारे हाथों प्राण नहीं लेना चाहता था, लेकिन कुछ और संदेश है, विश्वास खंडित हो जाए तो दंड भी बड़ा होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा संदेश देना चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हारी भूमिका से प्रसन्न हूं। बोल परशुराम, तू क्या मांगता है? अपने पिता से 6 बातें मांग ली परशुराम ने। पहली बात मांगी, मेरी मां जीवित हो जाए, हो गई। दूसरी बात मांगी, इस घटना का स्मरण न मेरी मां को रहे न मेरे भाइयों को रहे, वो भी दे दिया वरदान। तीसरी बात मांगी, मेरी मां से जो मानसिक पाप हुआ है उसका क्षय हो जाए, वो भी हो गया। चौथी बात मांगी, मेरे भाई जीवित हो जाएं, वो भी हो गए। पिताजी से कहा, बहुत प्रसन्न है तो मुझे एक वरदान दीजिए कि जिस भी युद्ध में मैं अगर शस्त्र उठा लूं तो विजय मेरी हो, पराजय कभी ना हो, वो भी दे दिया। और छठवां वरदान उन्होंने मांगा कि मृत्यु मेरे निर्णय, मेरे निर्देश और मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा करेगी, मैं तब तक न मरूं जब तक मैं न चाहूं, ये भी मिल गया। और तब पिता ने कहा, परशुराम मैं जानता था कि तू मां को जीवित करा देगा, लेकिन वध सिर्फ इसलिए कराया कि मैं संसार को यह बताना चाहता था, इससे बड़ा पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता कि दो देह पति पत्नी बन जाएं और दोनों पति पत्नी रहते हुए यदि इस तरह का कोई अपराध करें तो वो अक्षम्य होना चाहिए, संस्कृति की दृष्टि से, संतान के लालन पालन की दृष्टि से। इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे देखिए तो आज हमारे पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के संबंधों में बड़ी आसानी से पर पुरुष का प्रवेश हो जाता है, पर स्त्री का प्रवेश हो जाता है, बच्चे तमाशा देखते रह जाते हैं। ऐसे खंडित पति पत्नी के भाव से बने हुए माता पिता परशुराम जैसी संतानें तो नहीं दे पाएंगे, ये मेरा इस पूरे प्रकरण के पीछे आग्रह है आपसे। बहुत ही सहमित तरीके से इस गहन विषय की व्याख्या आपने की, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या इसके अंतर्गत ये पता चला आज किसी व्यक्ति को पता चला तो वो भी परशुराम के समान अपने बच्चों को आदेश दे दे? तो आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा दंड देने का अधिकार उसे ही होना चाहिए जिसके पास में जमदग्नि जैसा तपबल हो, जिसमें यह सामर्थ्य हो कि वह अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर सके, जिसमें यह सामर्थ्य हो कि बदली हुई परिस्थितियों को फिर पलट सके। बिल्कुल, ये किसी का वध करने का आदेश देना उस समय की कानून व्यवस्था थी जी, उस समय संभव था, आज की नहीं है जी। आज आप किसी का वध नहीं कर सकते कितने ही सक्षम हो, तो इसलिए ऐसा कोई आप उन्होंने निर्णय वध का दिया उसको आज लागू नहीं कर सकते, उसके पीछे उनकी जो लीला की मंशा थी जी, वो लागू की जाना चाहिए। वध भी नहीं कर सकते, वध हो जाने के बाद में जिंदा भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ही असंभव है, बहुत ही। हाँ, रिश्तों का वध होता है जी, और रिश्ते तलाक क्यों होता है बताइए आप जी। तलाक 100 मुकदमे अगर आप तलाक के उठाएं जी, तो उसमें से 80 मुकदमे पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति चरित्र को लेके संदेह के, उससे उपजे हुए तनाव जी, तो घटनाएं तो होती हैं, सजा देने का तरीका बदल जाता है। एक और जो अमूमन बहुत ज्यादा लोगों की जानकारी में नहीं है वो ये है कि उन्होंने 21 बार धरती को जीता, क्षत्रियों का संहार किया, आततायी राजाओं का संहार किया जिसे लोगों ने क्षत्रियों के संहार के रूप में व्यक्त किया, पर उसके साथ में एक प्रसंग ये भी आता है कि पूरी धरती जीत लेने के बाद उसका उपभोग परशुराम जी ने नहीं किया, बल्कि कश्यप ऋषि के अध्यक्षता में यज्ञ करके पूरी धरती उन्होंने कश्यप ऋषि को दान कर दी। इस प्रसंग पर भी आपकी तरफ से कोई दृष्टि डले?
ये दो अलग अलग प्रसंग हैं जी और दोनों के पीछे बड़ा अच्छा मैसेज है। जी एक बार अपने आश्रम में परशुराम जी अपने माता पिता के साथ बैठे थे और जी बातचीत चल रही थी, तो उस समय एक शिकायत आई थी। सहस्त्रार्जुन जो उस समय राजा था बहुत दुष्ट है, अच्छा नहीं है वो, जी उसका आचरण ठीक नहीं। जी और एक बार जंगल में परशुराम जी ने एक स्त्री को बचाया था, उस स्त्री का नाम था लोमहर्षिणी, लोमहर्षणी, लोबा कहते थे जी उसको, लोमहर्षिणी लोमहर्षणी नाम था। जी राजा की बहन थी, सुदास नाम के एक राजा राजा थे, की उनकी बहन थी। जी और लोमा को आकर्षण हो गया था परशुराम जी के प्रति, जी उसने प्रस्ताव भी दिया था विवाह कर ले, पर परशुराम जी ने कहा था कि मेरे उद्देश्य कुछ दूसरे हैं। जी उस कन्या को बचा के वो अपने माता पिता के आश्रम में लाए, तो उस कन्या ने कहा कि मुझे केवल बाघ से ही नहीं बचाया है, मुझे शस्त्रार्जुन से भी बचाया है इन्होंने, जी क्योंकि मेरे भाई के ऊपर दबाव है कि शस्त्रार्जुन से मैं विवाह कर लूं, जबकि वो विवाहित हैं और जी दुष्ट हैं। जी तो माता पिता ने कहा था भाई इस लोमा को इसके भाई के पास सुरक्षित पहुंचा दो। लोमा को लगा हो गया था, परशुराम जी ने मना कर दिया। लेकिन परशुराम जी उस समय शस्त्रार्जुन के आचरण को लेके उस स्त्री के मुंह से सुन चुके थे, तो उनके मन में उनको लेके कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं थी। अब एक दिन जब आश्रम में अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तो रेणुका जी ने अपने पति से कहा, आज हमारे घर राजा शस्त्रार्जुन आने वाले हैं, ऐसी सूचना है अपने दल बल के साथ। तो जमदग्नि ने कहा कि शस्त्रार्जुन हमारे यहां क्यों आ रहा है, मुझे वो थोड़े ठीक नहीं लगते। तो रेणुका जी ने कहा, आप जानते हैं उनकी पत्नी मेरी बहन है वेणुका, जी तो शस्त्रार्जुन आपके साड़ू हैं, तो खाने में लाड़ू और रिश्ते में साड़ू दोनों ही मीठे होते हैं, जी आप तो उनका सम्मान करिए ना, वो आ रहे हैं आपके यहां। जमदग्नि बोले, मैं साधु, वो राजा है, हमारा कोई मेल नहीं है, रिश्ता भले ही होगा। जी अब एक तरह से शस्त्रार्जुन इनके मौसाजी हो गए जी परशुराम जी। जी परशुराम जी ने कहा कि मैंने भी जानकारी है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, कुटिल है, रहस्यमयी है जी और बहुत अहंकारी है। वो अपने घर रहे हैं, पर वो आ गए। आ गए तो उसके पहले परशुराम जी ने कहा, मुझे तो नहीं जमता। अच्छा, जमदग्नि और रेणुका जानते थे ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, भिड़बुड़ा जाएगा अपने मासा जी से, जी तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तो उन्होंने कहा तू जा। जी परशुराम चले गए, ये भी खुश हो गए कि ठीक नहीं है। जब शस्त्रार्जुन आए तो ऐसे सब बैठ गए, अहंकारी तो थे ही, तो कहने लगे आश्रम तो ठीक ठाक दिखता है, पर हम तो राजा हैं, हमारे साथ हमारी सेना है, कुछ व्यवस्था वगैरह है आपके यहां? जमदग्नि ने कहा, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं? बोले राजभोज होना चाहिए। हो जाएगा? बोले कहां से हो जाएगा इस आश्रम में? तो जमदग्नि ने कहा हो जाएगा। जमदग्नि जी को अपनी कामधेनु पे बड़ा भरोसा था। उनके पास एक कामधेनु थी कपिला, कपिला उन्होंने कपिला नाम की कामधेनु का आदेश दिया, उस गौ माता से जो मांगते थे वो देती थी। तो बड़ा सब कुछ सुंदर व्यवस्था हो गई, ऐसा राजभोज राजा ने कभी राजमहल में नहीं किया। शस्त्रार्जुन को लगा कि क्या है इस ऋषि के पास, केवल तप से नहीं हो सकता, पता लगा कपिला है। तो उन्होंने कहा ये गौ मुझे दान कर दो। उन्होंने कहा हमें लोग दान करते हैं, आप राजा हैं, आप क्यों लेना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा अभी तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पर याद रखना राजा के निवेदन में आदेश ही होता है, तो ये मेरा आदेश है, नहीं दोगे मैं ले जाऊंगा। और बलात् वो लेकर चले गए। जमदग्नि रेणुका देखते रहे, शस्त्रार्जुन आश्रम में भी थोड़ी उजाड़ करके उस गाय को लेके चले गए, पति पत्नी चुप हो गए। जब परशुराम जी लौट के आए तो इनको पता लगा, गौ से बड़ा प्रेम था,
इन्होंने कहा, मैंने आपसे पहले कहा था मैं यहां रुक जाता, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, अब मैं लेके आता हूं। माता पिता को लगा देखो बेटा युद्ध नहीं करना, युद्ध जीवन का अंतिम विकल्प होना चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, दो मंत्र बोलोगे तुम्हारी वाणी में तेज और प्रभाव आ जाएगा, और तुम शस्त्रार्जुन से मांग लोगे और शस्त्रार्जुन तुमको गौ दे देंगे, अपन क्यों झंझट में पड़े, तुम लेके आ जाओ। तो परशुराम जी गए शस्त्रार्जुन से, उन्होंने कहा, लेकिन शस्त्रार्जुन तो युद्ध की मुद्रा में था, तो उसने तो कह दिया जो होगा युद्ध से होगा। परशुराम जी ने कहा आप ये ना समझें कि आप राजा हैं क्षत्रिय हैं, अनुचित जब होता है, अत्याचार जब होता है, तो शस्त्र ये नहीं देखता कि वो ब्राह्मण के हाथ में कि क्षत्रिय के हाथ में, फिर शस्त्र की भूमिका आरंभ होती है। तो आज मेरा शस्त्र प्रहार करेगा, युद्ध हुआ और उन्होंने शस्त्रार्जुन का वध कर दिया, मर गया शस्त्रार्जुन जी। और उसको मार के जब लौटे कामधेनु लेकर, तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा बेटा हम जानते थे तू कामधेनु ले आएगा, हम ये भी जानते थे कि तूने ब्राह्मण त्रेज प्रकट किया होगा और उसके प्रभाव में शस्त्रार्जुन ने तुझे गाय दे दी होगी। अब देखिए माता पिता कितने सरल थे, जी लेकिन परशुराम जी ने कहा कुछ दुष्टों के लिए तप का तेज नहीं शस्त्र का तेज काम आता है, मैं उसका वध करके आ गया। इन दोनों ने कहा कि क्या किया बेटा, हमारे रिश्तेदार मारे गए ये बात नहीं है, जमदग्नि किस स्तर के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पुत्र से कहा अनुचित तो अनुचित है, एक पाप उसने किया कि वो गाय लेके चला गया, एक पाप तुमने किया कि तुमने राजा का वध कर दिया, तो तुझे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा है, तू इसका प्रायश्चित कर और जा तीर्थ पे जा। माता पिता की आज्ञा मानने वाले परशुराम जी ने एक बात बोली और तब तीर्थ पे गए कि मुझे ब्रह्म हत्या के पाप के निराकरण की कोई फिक्र नहीं है, उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, मैं तीर्थ जा रहा हूं माता पिता की आज्ञा मानकर, और वो चले गए। और जब वो तीर्थ चले गए तो सहस्त्रार्जुन का जो बेटा था उसने विचार किया कि मैं आक्रमण करूं बदला लूं, जयध्वज नाम था उसका जी। तो जयध्वज ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और जब परशुराम जी लौट के आए तो आश्रम का दृश्य देखा, मां रोती थी, तब भाइयों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद जयध्वज के नेतृत्व में सेना आई, हमारे पिता यज्ञ कर रहे थे, उन लोगों ने जटा पकड़ी, पिता को यज्ञ से बाहर खींचा यज्ञशाला से और हमारे सामने मां के सामने उनका मस्तक उतार दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, मां रोती थी। और तब रेणुका जी ने अपने बेटे परशुराम से कहा, परशुराम उन्होंने अत्याचार तो किया है, ऐसे धोखे से आक्रमण किया जैसे आतंकवादी करते हैं, अरे क्षत्रिय राजा जब किसी पे आक्रमण करता है तो रेणुका कहती है सूचना दी जाती है, हमें इतनी तक सूचना नहीं दी कि वो यज्ञ से उठ जाएं, मुकाबला तो हम तब भी नहीं कर सकते थे पर कम से कम व्यवस्थित तो हो जाते हैं, अरे श्वान भी श्वान पे आक्रमण करता है तो एक बार गुर्राता है, ये रेणुका ने अपने पुत्र से कहा, उन्होंने तो क्षत्रिय का आचरण भी नहीं किया, 21 बार अपने पति का स्मरण करके अपनी हाथों की चूड़ियों को धरती पे तोड़ा था। तब परशुराम ने कहा मां मैं जानता था आपने 21 बार धरती पे अपने दुख को हाथ पटक के प्रकट किया है तो मैं प्रण लेता हूं 21 बार दुष्ट राजाओं को क्षत्रियो को इस धरती से विहीन कर दूंगा, और उन्होंने फिर शस्त्र उठाए थे। तब भी रेणुका जी ने कहा था क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, युद्ध मत कर, लेकिन वो तो परशुराम थे, ऐसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था जी। आपका दूसरा प्रश्न था कि उन्होंने धरती जीती उसको भोगा नहीं, लेकिन इसके पीछे घटनाक्रम है।
जी ऐसा नहीं, इससे हम एक बहुत बड़ी सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। जी जब उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर दिया, सारी सत्ताएं उनकी हो गई, धरती पे विजय प्राप्त हो गई, तो वो बहुत अशांत हो गए और एक दिन एकांत में बैठ के सोचने लगे, युद्ध की चीख विजयी व्यक्ति को भी वैसी ही सुनाई देती है जैसे पराजित व्यक्ति को। जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिसमें जीतने के बाद भी हारने का एहसास होता है। उस दिन परशुराम को भी ऐसा ही हो रहा था, ये क्या किया मैंने, और मेरा मन शांत नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज संसार जीत लिया और मैं अशांत हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, युद्ध कभी किसी को शांत नहीं करता परशुराम, तुमने इतना बड़ा इतना भीषण युद्ध किया है तो तुम शांत हो भी नहीं पाओगे। एक काम करो, तुम्हें अगर शांति उपलब्ध करना है तो तुम्हें अपने गुरु के पास जाना चाहिए। संसार में सबसे बड़ी शांति गुरु और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र में होती है। माता पिता ने शिव जी को गुरु बनाया था इनका, जी तो ये अपने गुरु के पास गए। और लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया था, तो ओम नमः शिवाय जपते हुए गए। याद रखिएगा, जी ओम नमः शिवाय एक ऐसा पंचाक्षर मंत्र है कि आप अगर किसी ऐसी स्थिति में सफल होने के बाद भी अगर अशांत हो, भौतिक अवस्था में अशांत हो, तो ये मंत्र शांति पहुंचाता है। शिव पुराण में भी इसकी चर्चा आई, पंचाक्षर मंत्र है, जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब शिव जी के पास गए अपने गुरु के पास शांत होने के लिए। अब मैं यहां इस प्रसंग को आगे ले चलूं, उसके पहले आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं, जी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद परशुराम जी अशांत हो गए, ध्यान दीजिएगा, जी इतनी बड़ी सफलता करने के बाद। इसलिए यह मत सोचिएगा कि सफलता शांति भी ले आएगी। फिर शांति कहां मिलती है? गुरु के चरण में, और गुरु से भी नहीं, गुरु मंत्र से। और गुरु थे शिव, तो पहुंच गए। इसलिए इस बात पर जरूर विचार करिएगा कि आप जीवन में कोई काम करें, विजयी हो जाएं, बहुत सफलता मिल जाए, पर फॉर्मूला मापदंड शांति होना चाहिए। जिस कार्य को करने के बाद यदि आप अशांत हैं तो सफलता भी अधूरी है, और यदि असफल होने के बाद भी शांत हैं तो कई सफलताएं चरणों में लोट लगा रही है। इसलिए शांति फार्मूला है, वो आज परशुराम जी के साथ भी हो गया, और फिर गए थे अपने गुरु शंकर जी के पास शांति प्राप्त करने। पर परमात्मा भी कभी कभी किसी के जीवन में उपद्रव लिख ही देता है, तो वहां भी शांति नहीं हुई, एक जी एक झंझट हो गई, बहुत प्यारी झंझट हो गई। गणेश तो जी कोई के प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, गणेश जी से पंगा हो गया, अब बताओ आप। तो साथ किसी किसी के जीवन में मतलब हो ही जाती उलझन, जी और हो गई थी उलझन। जी खैर, ये एक बिल्कुल अलग प्रसंग है कि वो जी गणेश जी से टकरा गए, पर जो मैं कहना चाहता हूं कि जी देखिए, हमारे आपका प्रश्न अभी भी वही है। जी तो उन्होंने शिव जी मिल गए, सब हो गया बराबर। शिव जी ने भी कहा, देखो बेटा परशुराम, तुमने काम तो बहुत बड़ा कर लिया, जी अब तू शांति प्राप्त करना चाहता है। एक गुरु शिष्य को क्या बोल रहा है वो सुनिए। जी तो गुरु के रूप में शंकर जी ने शिष्य परशुराम से कहा, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करो, कश्यप ऋषि को पुरोहित बनाओ, और उस यज्ञ के द्वारा तुम्हें शांति प्राप्त होगी और शुद्धि हो जाएगी जो तुमने ये लूटमार मचाई है। जी और लूटमार से मतलब उन्होंने किसी की संपत्ति नहीं लूटी, दंड दिया था, जी लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और जब सब जगह के वो राजा बन गए थे, मतलब राजा से मतलब राज तिलक नहीं हुआ पर उन्हीं का प्रताप था, जी तब पुरोहित कश्यप जी ने उनसे कहा कि सत्ता का स्वाद अच्छे अच्छे तपस्वियों को भ्रमित कर देता है, भटका देता है।
आपने ये जो कुछ जीता है यदि आप इस पे राज करेंगे परशुराम जी, तो हो सकता है आप मुसीबत में आ जाएं, आपके उद्देश्य कुछ दूसरे हैं। परशुराम जी ने कहा फिर क्या करूं इस सब का, बोले ये तो दे दो ब्राह्मणों को दान में और आप चले जाइए महेंद्र पर्वत पे, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है। जी ऐसे उन्होंने ब्राह्मणों को दान दी और फिर चले गए वो महेंद्र पर्वत। जी तो इस सब के पीछे की कहानी यह है कि विचलन तो हो जाता है, अशांति आ जाती है, गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी हो जाता है। इनके शिष्य भी एक से एक थे परशुराम जी। जी चलिए शिष्य भी एक से प्रश्न एक थे, द्रोण थे, भीष्म थे, कर्ण थे, तमाम बड़े बड़े नाम उसके अंतर्गत थे। चर्चा बहुत व्यापक है क्योंकि चरित्र बहुत व्यापक है, इसको एक घंटे की चर्चा में समेटा नहीं जा सकता। मुझे मेहता जी पहले ही आदेशित कर चुके थे कि मेरे पास 40 मिनट का समय रहेगा, मैं उनके 51 मिनट ले चुका हूँ, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो इस चर्चा को अगली अक्षय तृतीया पर भी हम जरूर जारी रखेंगे। अक्षय तृतीया को सृष्टि के आरंभ के तौर पर माना जाता है, यह माना जाता है कि सतयुग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और एक खास जो पुराणों में वर्णित है वो इस रूप में भी है कि ये सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में भगवान परशुराम आज ही के दिन अवतरित हुए थे। ऐसा अलौकिक दिवस है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की आज तृतीया है। मैं सभी दर्शकों की ओर से पंडित जी आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि ऐसे पावन एक छोटी दिवस सी पर। बात जी हिमांशु जी, एक छोटी सी बात कहके मैं यहां से आपसे आज्ञा लूंगा। जी आज के माहौल में जब हम सब कोरोना से पीड़ित होके लॉकडाउन में हैं, जी एक छोटी सी घटना बता के पूरा जी करूंगा जी जी कि विपरीत में कैसे हम सहयोग निकाल सकते हैं। दुर्भाग्य में से सौभाग्य ढूंढना हम भारतीयों की तासीर है बड़ी प्यारी। जी परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का संहार किया तो उसके रक्त के कुंड, जी पांच कुंड बनाए उन्होंने कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में बना दिए पांच जी कुंड जी और उसमें वो रक्त भर दिया। अब जब कृष्ण भगवान को महाभारत के लिए स्थान ढूंढना था जी तो कृष्ण भगवान ने उसी कुरुक्षेत्र का चयन किया कि ये धरती ठीक है, जी एक बार यहां रक्त भरा गया है और दूसरी बार रक्त यहां बहाया जाएगा। जी लेकिन इन दोनों विपरीत स्थितियों में उसी कुरुक्षेत्र में दुनिया की सबसे सौजन्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, दिशा देने वाली घटना घटी और गीता वो के रूप थी में, गीता गीता का का संदेश। ज्ञान। गीता कुरुक्षेत्र में घटी थी जी जहां पहले ही रक्तपात भरा हुआ जी और अभी होने वाला था। जी कितनी विपरीत, आज ठीक कोरोना जैसी स्थिति है जी पूरे विश्व में। कोरोना ने कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति बना दी है, पांच कुंड तैयार हो गए रक्त के जी और 18 अक्षौणी सेना का रक्त बहने को तैयार हो। जी ऐसी त्राही त्राही के बीच में कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दें। आज अक्षय तृतीया पे परशुराम जी के प्रसंग में हम एक शिक्षा लें। जी आज हमारे आसपास के जीवन में कितनी अशांति, विपरीत बीमारी की महामारी का प्रकोप हो, गीता का ज्ञान अभी भी पैदा किया जा सकता है। गीता का ज्ञान मतलब स्पष्टता, गीता का ज्ञान मतलब आपके पास एक आत्मविश्वास हो कि हम इससे लड़ लेंगे। मैं तो उज्जैन में शांतम से बोल रहा हूं, जी प्रतिदिन यहां मैंने पहले भागवत कथा सुनाई, फिर राम कथा सुनाई, कली समाप्त हुई। आप अगर अनुमति दें तो एक छोटा सा निवेदन कर जरूर रहा हूं, कल मेरी राम कथा का समापन हुआ शाम को, तो आज बहुत सारे लोगों ने कहा सूना लग रहा है, तो हमने मन किया कि चलो एक काम करते हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में है तो एक आध दो दिन बाद यदि लोग तैयार होंगे तो शिव पुराण की कथा कर देंगे, उन्हीं शिव की जो परशुराम जी के गुरु थे, उन्हीं शिव की जिनकी नगरी में हम बैठे हैं और शिव कल्याण के देवता हैं। और आज कोरोना रूपी अंधेरे को समाप्त करने के लिए करुणा का प्रकाश चाहिए, अपने लिए दूसरों के लिए, तो हम शिव पुराण का संकल्प लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी सद्भाव करिएगा, आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनका मन बने तो शिव पुराण की भी योजना बने। हिमांशु जी, मैं आपके टीवी चैनल निजी रूप से आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर विषय, सुंदर ढंग से आप प्रश्न करते हैं और एक बहुत अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए परशुराम जी से सीखिए, विपरीत जीवन में आए तो भी सफलता अर्जित करना है
और गुरु की कृपा बनाए रख के माता पिता की आज्ञा का पालन करके एक श्रेष्ठ आचरण रखना है। वो श्रेष्ठ आचरण सिखाने वाले देवता को बहुत बहुत प्रणाम। ये आपका बहुत बहुत अभिनंदन पंडित जी कि आपने ऐसे पावन दिवस पर हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। परशुराम जी के चरित्र के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि ये चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है, अगली अक्षय तृतीया को ईश्वर ने चाहा तो फिर से पंडित जी हमारे साथ में होंगे। आगे भी जब जब अवसर आते रहेंगे हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे मौक़ों पर वह हमारा ज्ञानार्जन करने के लिए निमित्त बने, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जिज्ञासाएं हैं उनसे हम अवगत हो पाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे से जुड़ने के। जी मैं जाते जाते एक सूचना दे दूं अगर जी अनुमति जी, हो जी, तो। जी बिल्कुल। आज अक्षय तृतीया है और बहुत सारे लोगों का विवाह प्रस्तावित होता है जो इस कारण से जी नहीं हुआ, पर मैं और मेरी पत्नी श्रीमती का विवाह अक्षय तृतीया पर ही हुआ था और इस तिथि में आपने आज ये आयोजन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अद्भुत आपको। संयोग है, मेरे पुत्र का जन्म भी आज अक्षय तृतीया को ही हुआ था पंडित जी, ये भी जानकारी आपसे साझा करता हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के अवसर पर यह हमारी बातचीत थी। भगवान परशुराम के संदर्भ में जो कुछ पहले लिखा गया वो तो लिखा ही गया, पर आज़ादी के बाद भी भगवान परशुराम पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा पूरी एक कविता लिखी गई। जब भारत चीन युद्ध की स्थितियाँ थी उस समय पर उन्होंने ये कविता लिखी थी, जिसका जिक्र अभी विजय शंकर मेहता जी कर रहे थे कि इस समय बड़ा अजीब सा माहौल है और ऐसे में हम परशुराम जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लें। वैसी कुछ प्रेरणा इस देश के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी ली थी, और उस दौरान उन्होंने जो कुछ लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि हम मान गए जब क्रांति काल होता है, कि हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल है, शूरत्व नहीं कोमल कराल है। रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम के शौर्य को इन पंक्तियों के साथ व्यक्त किया था। भगवान परशुराम अभी भी इस धरा पर हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार इस सृष्टि में कल्कि अवतार के रूप में होना है, और उन कल्कि के गुरु के तौर पर भूमिका भगवान परशुराम को ही निभानी है। उन्हें भी प्रतीक्षा है, इस सृष्टि को भी प्रतीक्षा है अगले अवतार की। दीजिए मुझे इजाजत, सादा प्रणाम।